अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। और रोज़े कैसे जा रहे हैं आप सबके। आज मैं बना रही हूँ खजूर और इमली की मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए मैंने एक प्याली खजूर ले ली है, इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। एक प्याली हमने इमली का पल्प ले लिया है, चीनी ले ली है और पिसी मिर्चें ले ली हैं एक टीस्पून, नमक एक टीस्पून और चाट मसाला एक टीस्पून। चलें बनाना शुरू करते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमली डालेंगे, खजूर डालेंगे, चीनी डालेंगे, आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी मिर्चें, चाट मसाला और नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। और इसे पकने रख देंगे। चलें इसे 10-15 मिनट तक पकाते हैं, फिर देखते हैं। थोड़ा सा सिरका भी डालेंगे, एक चम्मच। बस ये तमाम चीज़ें डाल के आप इसे 15-20 मिनट तक पका लें। माशाल्लाह, ये खजूर और इमली की चटनी पक चुकी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, फिर मिक्सी में पीस लेंगे। चलें इसे ठंडा कर लेते हैं। ये देखें, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। मज़ेदार सी खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। इसे आप छोलों में डालें, दही बड़ों में डालें, बहुत अच्छी लगती है। कैसी लगी आप सबको। बाकी मैंने जार में कर ली है। अल्लाह पाक आपके और हमारे रिस्क में खूब बरकत अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।